हजरत अब्बास, हजरत अली और उम्मुल अबनीन बिन्त हजाम के बेटे थे। वो इमाम हुसैन के छोटे सौतेले भाई थे, जो दिल से अपने भाई से मोहब्बत करते थे और उनकी पैरवी करते थे और अपने आप को अपना गुलाम समझते थे। वो एक मशहूर जंगजू, एक मजबूत आदमी था, जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में भी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जंग की थी। उसकी जुरअत और बहादुरी अफसाने में थी। वो दुश्मन की सफ़ें उसका सामना करने से घबराती थी, क्योंकि उसे अली इब्न अबू तालिब से कम खतरा नहीं था। हजरत अब्बास अपनी जिंदगी के तमाम अच्छे और बुरे लम्हात में इमाम हुसैन के शाना बशाना खड़े रहे, और जिस दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनके सबसे ज्यादा जरूरत थी, 10 मुहर्रम 61 ईस्वी को करबला की बंजर जमीन पर मुआरका करबला में अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुसैन का परचम बरदा लश्कर था, और एक एक जंग में अब्बास को कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। यजीद की फौजी जानती थी, हुसैन जानते थे, और जबकि हजरत अब्बास जंग करना चाहते थे क्योंकि उनके भाई उस्मान, जाफर और अब्दुल्ला करबला में शहादत पा चुके थे, लेकिन हुसैन यहाँ जंग करने के लिए नहीं आया था। इंसाफ, वक़ार और उन उसूलों की हिफाजत के लिए खड़ा था जिनकी बुनियाद उनके दादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। इसीलिए उसने अब्बास को जंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह एक जंगजू के लिए कितना मुश्किल लम्हा था कि वो अपने खानदान के तमाम अफराद और साथियों को मुकदस मकसद के लिए लड़ते और अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए देखता, और दूसरी तरफ ऐसे बच्चों को देखता जो प्यास से रो रहे थे। यजीद की फौज ने गुज़िश्ता 3 दिनों से खानदान और सहाबा किराम को पानी की फराहमी बंद कर रखी थी। इमाम हुसैन की 6 साल बेटी सकीना प्यास और सहरा की शदीद गर्मी से बेहाल अपने चचा अब्बास के पास गई और तमाम बच्चों की तरफ से उन्हें पानी फराहम करने की ताकीद की। जवाब में अब्बास ने इजाज़त के लिए इमाम हुसैन से राबता किया, जिसने पहले उन्हें जंग में जाने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन अब्बास को इजाज़त दी कि वो बच्चों की प्यास बुझाने के लिए दरियाए फरात से पानी ले आए। हजरत अब्बास कैंप से बाहर आए और दुश्मन से पूछा, उन बच्चों ने कौन सा गुनाह किया है कि तुम उनको कत्ल करना चाहते हो? आप बच्चों और औरतों को पानी देने से इनकार कैसे करते हैं? ये अल्फाज सुनकर दुश्मन के सैकड़ों सिपाहियों ने चारों तरफ से अब्बास पर हमला कर दिया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हैदर किरार के जज्बे और ताकत से उस हमले को पसपा कर दिया, जो इनके खून से बह निकला और दुश्मन को शिकस्त हुई। फौजू ने अपनी ईडियों को ले लिया। अपनी तलवार से दुश्मन पर वार करते हुए हजरत अब्बास फुरात के किनारे पहुंचे। अब्बास ने फिर मुट्ठी भर पानी उठाकर दुनिया को दिखाया कि उस वक्त दरिया पर उनकी हुकूमत थी। उसने चमड़े के थैले में पानी भरा और इमाम हुसैन के कैंप की तरफ चल पड़ा। तारीख कहती है कि अब्बास और उसके घोड़े ने पानी नहीं पिया, हालांकि वो भी पिछले 4 दिन से प्यासा था, लेकिन फिर उसे कैसे पता चला कि जिन लोगों से वो प्यार करता था वो भी प्यासी थे। उस खौफ से कि पानी हुसैन के कैंप तक पहुँच जाए, दुश्मन अब सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में जमा हो गई, क्योंकि उसे तलवार से शिकस्त नहीं दे सकते थे। इसलिए तीर अंदाजों को बुलाया गया। जब अब्बास पानी के थैले को मारने के लिए तीरों से बचने में मसरूफ थे, पीछे से एक सिपाही ने आकर उसका दायां बाजू काट दिया। अब्बास ने चमड़े का थैला बाएं हाथ से पकड़ा। यजीद का एक और नापाक सिपाही पीछे झुक गया और उसका बाया हाथ काट दिया। हजरत अब्बास ने चमड़े के थैले को दांतों से पकड़ा, पानी के थैले को बचाने का इरादा किया। फिर एक तीर ने चमड़े के थैले को छेद कर दिया और उसमें से पानी निकल गया। उसी वक़्त हजरत अब्बास की आंख में एक तीर लगा, जिससे वो मुकम्मल तौर पर अंधा हो गया, और उसी वक़्त वो पीछे से लिपट गया। ये जानते हुए कि बच्चों के लिए पानी हासिल करने का उसका मकसद नाकाम हो गया, एक मायूस अब्बास ने जीने की ख्वाहिश खो दी और घोड़े से गिर गया। जब इमाम हुसैन अपने मुतासिरा भाई के पास पूछने में कामयाब हुए, तो अब्बास ने उनसे दरख्वास्त की वो अपनी लाश को कैंप में न लाए, क्योंकि वो उन बच्चों का सामना करने के बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जिनके लिए वो पानी लेने में नाकाम रहे थे। मुअर्खीन बयान करते हैं कि अब्बास के बाद किसी ने भी दोबारा पानी नहीं मांगा। जब तक अब्बास जिंदा थे, इमाम हुसैन 54 साल की उम्र में सीधे और पुर एतमाद खड़े रहने के काबिल थे, लेकिन अब्बास के बाद हुसैन ने अपनी ताकत खो दी और बूढ़ा महसूस किया। उसूलों, वफादारी और एहतराम के लिए खड़े होने वाले आदमी के लिए हमारा गहरा एहतराम।
हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार कर्बला में इमाम हुसैन के रोज़े के मुतवाजी है, जबकि उनके दो कटे हुए बाजू की तदफीन भी उनके मज़ार के 4 किलोमीटर कतर के अंदर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस स्प्रिट सिक्र चर्च को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।